मैडम, इन्हें अंदर करके हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर क्या करें, कानून से बंधे हुए। हेलो हेलो, मालिक बोल रहा हूँ। क्या हुआ? अरे भाई, वो हरामखोर माधव की मदद करने आया था 10 आदमियों को लेकर, लेकिन सिर्फ 3 बचे हैं। भाई, क्या फिल्म में इस बार भी होगा लव ट्रायंगल? लव ट्रायंगल में कौन कौन आ सकता है नजर? क्या सलमान आज के यूथ के रोमांस को कर पाएंगे मैच? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। मझधार, अगर आप सभी 90s के मूवी के शौकीन हैं तो आप सभी को ये मूवी बखूबी याद होगी, जिसमें लव ट्रायंगल की कहानी थी। लेकिन मेकर्स को कहां पता था कि ऑडियंस को ये कहानी नहीं पसंद आने वाली थी। फिल्म में सलमान भी मौजूद थे एज अ बिगनर, उनकी भूमिका फिल्म में बहुत अच्छी थी, लेकिन फिल्म फिर भी उतना अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाई। और अब फिर से एक नई उम्मीद से फिल्म में सलमान की हो रही है वापसी, और देखना होगा मजेदार की फिल्म की कहानी क्या इस बार भी लव ट्रायंगल के इर्द गिर्द मंडराती है। वैसे तो आजकल हर यूथ की लाइफ में ये कहानी चल रही है, और ऊपर से अगर फिल्म भी ऐसी हुई तो हो जाएगी गड़बड़, क्योंकि थीम तो अच्छी है लेकिन कहानी अगर हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो ऑडियंस तो पक्का बोर हो जाएगी, क्योंकि कौन है जो इतनी कॉम्प्लिकेशन को झेलेगा। उफ, सभी हो जाएंगे परेशान। तो अगर मेकर्स चाहते हैं कि ऑडियंस को पसंद आए फिल्म, तो फिल्म में होना चाहिए कुछ कुरकुरापन जिससे सभी हो जाए एक्साइटेड। अब देखते हैं कि डायरेक्टर की डायरेक्शन फिल्म को किस दिशा में ले जाती है। फिल्म में अगर हुआ लव ट्रायंगल तो सुनने में आ रहा है कि आपको फिल्म में दोनों खान सलमान और शाहरुख के साथ अनुष्का शेट्टी आने वाली है नजर। लगता है कि जितनी पुरानी है कास्ट उससे भी ज्यादा पुरानी ली है मेकर्स ने। आपको नहीं लगता कि जब कहानी नई है तो किरदार भी नए होने चाहिए जो ऑडियंस को एकदम पसंद आए, न्यू फेसेस के साथ न्यू होप्स भी दे, क्योंकि ओल्ड लव स्टोरी सूट्स करती तो है पर न्यू थोड़ा डिफरेंस ला सकती है ऑडियंस की पसंद में। दोस्तों, फिल्म में नजर आने वाले हैं भाईजान। वैसे तो भाईजान ने अपनी जवानी में कई रोमांटिक्स फिल्में दी हैं जो नो डाउट हिट भी हुई है, लेकिन उनका इस बार इस लव ट्रायंगल में होना शायद कर पाएगा यूथ के रोमांस को मैच, क्योंकि आजकल थिएटर्स की भीड़ एज वाइज कंपेयर करे तो देखा जाएगा कि यूथ ही आते हैं चारों तरफ नजर। तो हुआ ना यूथ एक मेन कंट्रीब्यूशन फिल्म की कलेक्शन की ओर। और अगर सलमान का ट्रेंड नहीं आया उन्हें पसंद तो फिल्म हिट होने की बजाय पिट ना जाए थिएटर्स में। अब तो देखना है कि सलमान को मूवी में लेकर मेकर्स ने कोई बड़ी भूल तो नहीं कर दी। आपको क्या लगता है कि इस लव ट्रायंगल स्टोरी में कौन सा किरदार आ सकता है नजर, जो बनाए मूवी को सुपर डुपर हिट? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और फिल्मी दुनिया की चटपटी खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।